शट अप हो गई तुम्हारे जैसे थर्ड रेट। मैडम मैं भी ऐसा नहीं, MBBS ही हूँ। तो मैं जो गलती से इसमें आए तो बाप जरूर होगा किसी का ड्राइवर या मालिक। तुम लोग आते हो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड, कभी सीखते कुछ हो नहीं। मैडम मैं सबको सीखना आता है। मैडम फर्स्ट जनरेशन इसका मतलब अगर मैं गांव का पैदा हूँ मैं, इसका मतलब। और तुमने तुमको आता भी कुछ है नहीं, तुमको आता भी कुछ नहीं, ना तुमने जिंदगी में कभी कोई किताब पढ़ी है। तो सुना आपने ये ऑडियो, ये केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी की आवाज़ है। भाजपा की नेता है, भाजपा की सांसद है, लेकिन उनकी ये पहचान मुकम्मल नहीं है। उनकी पहचान गांधी परिवार से जुड़ा होना भी है और अपने वक्त के सबसे ताकतवर इंसान संजय गांधी की पत्नी होना भी है। ऐसा नहीं होता तो इस तरह से वो किसी डॉक्टर से बात नहीं कर रही होती। सवाल एक केंद्रीय मंत्री का इस तरह से बदतमीजी से किसी डॉक्टर से बात करने का नहीं है, सवाल है उस क्लास का, उस एलिट क्लास का जो वर्षों से चली आ रही है एक भावना मन के भीतर आम लोगों के प्रति, ये उसका प्रतीक भी है। वरना फाइनल पोस्ट आपको ये खबर बता रहा है कि यही मेनका गांधी एक NGO चलाती थी, अभी चला रही है या नहीं नहीं मालूम, पीपल फॉर एनिमल। इस पीपल फॉर एनिमल को लाखों रुपए देश विदेश से डोनेशन में मिलते थे। इसमें एक बहुत शानदार डोनेशन हुआ करता था ब्रिटेन से, लंदन से, मतलब इंग्लैंड से उनको पैसा मिलता था। और वो कहाँ से मिलता था? ब्रिटेन के डंकी सेंचुरी से। डंकी माने गधा। ब्रिटेन में एक डंकी सेंचुरी है, मतलब गधों के, गधों का अभ्यारण्य है, गधों की देखभाल की जाती है, जाहिर है कि बड़ा सेंचुरी होगा। और वहाँ से इनको लाखों रुपए मिलता था। और इस बाबत मैंने खुद RTI डाली थी 2008 में, मेरे पास वो दस्तावेज है, ज़रूरत पड़ेगी तो वो दस्तावेज मैं लाकर दिखा सकता हूँ। पीपल फॉर एनिमल को गृह मंत्रालय से वो दस्तावेज मिला था RTI में, जिसमें लिखा था, क्लियर था कि ब्रिटेन के डंकी सेंचुरी से पीपल फॉर एनिमल को लाखों रुपए मिलते हैं। जाहिर है वो पैसा मेनका गांधी के NGO को हिंदुस्तान में जानवरों की भलाई के लिए, और चूंकि डंकी सेंचुरी ब्रिटेन ने पैसा दिया था तो हिंदुस्तान में गधों की भलाई के लिए वो पैसा मिला होगा। तो सवाल है कि जो व्यक्ति, जो नेता जानवरों से इतना प्यार करती है, जानवरों की देखभाल के लिए देश विदेश से पैसा लेती है, जानवरों के कल्याण के लिए आवाज़ उठाती है, मुखर रहती है, वो जानवरों के डॉक्टर से, वेटनरी डॉक्टर से इतनी बदतमीजी से कैसे पेश आ सकती है? तो आ सकती है। उसका कारण है कि वो एक ऐसे क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। आप इनके ऑडियो को सुनिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि यू फर्स्ट जनरेशन लिटरेट, माली का बेटा है, चौकीदार का बेटा है। क्या इस देश में माली और चौकीदार का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता? क्या फर्स्ट जनरेशन का पढ़ा लिखा आदमी कोई गुनाह करता है? अब आपकी तरह सब लोग भाग्यशाली तो हो नहीं सकते कि जिनका जनरेशन दर जनरेशन, जनरेशन दर जनरेशन इस देश का प्रधानमंत्री रहा हो, इस देश का ताकतवर इंसान रहा हो। तो ये सौभाग्य हिंदुस्तान के आम लोगों को नहीं मिलता। तो अगर वो फर्स्ट जनरेशन लिटरेट है तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर उस डॉक्टर ने कुछ गलती की भी है तो क्या उससे बात करने का यही तरीका है? आखिर एक व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो मंत्री ही हो, कोई भी हो, उसको सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में उसके खिलाफ केस क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्या वो डॉक्टर इतनी हिम्मत करेंगे? शायद नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेनका गांधी अभी एक बहुत ही ताकतवर सरकार की ताकतवर मंत्री है उनके खिलाफ, और वो भी उत्तर प्रदेश का मामला है, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सवाल कार्रवाई का भी नहीं है, सवाल मानसिकता का है कि मेनका गांधी जिस मानसिकता में है, ठीक है जानवरों से प्यार करना, हिंदुस्तान का हर आदमी जानवर से प्यार करता है, आम घरों के लोग अपने खाने की एक रोटी अपने द्वार पर आने वाले कुत्तों के लिए छोड़ देते हैं, गाय के लिए छोड़ देते हैं, बैल के लिए छोड़ देते हैं,
तो हिंदुस्तान का हर आदमी एनिमल लवर है। लेकिन अगर मेनका गांधी जो एनिमल लवर होने के साथ साथ एनिमल लवर होने के नाम पर लाखों रुपए डोनेशन भी लेती हैं, अनुदान भी लेती हैं, कंट्रीब्यूशन भी लेती हैं देश विदेश से, वो अगर गधों से प्यार कर सकती हैं तो गधों के डॉक्टर से भी उनको कम से कम रेस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए थी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उनके अंदर जो एक पावरफुल फैमिली से आने, एक एलिट क्लास से होने, एक बहुत ही ताकतवर सरकार के मंत्री होने का जो गुरूर है, वो उनको कुछ अच्छा करने से, अच्छा बोलने से रोक देता है। अन्यथा ऐसा नहीं है, 2014 के बाद इस देश में पिंक रिवॉल्यूशन कितना बढ़ा है डाटा में, ये सबको मालूम है। जिसको नहीं मालूम है वो गूगल करें और पता करें कि बीफ का कारोबार 2014 से पहले और 2014 के बाद घाटा है या बढ़ा है। कायदे से इस पर भी मेनका गांधी को आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन वो वहाँ ऐसा नहीं करेंगी। तो अपना वो फ्रस्ट्रेशन, अपना वो गुस्सा, अपना वो एलिट होने का जो एक जज्बा है, ताकतवर होने का जो एक एहसास है, वो कहाँ जाएगा, कहाँ उतरेगा? वेटनरी डॉक्टर पर, आम लोगों पर। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर ऐसा हुआ है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए। नमस्कार।